नहीं सोनो ना, पिछले 8-10 दिन से पारो वायरस से इन्फेक्टेड हो रही है। कितनी सारी दवाइयां लेके आया हूँ भाई मैं, अभी वेट करते हैं डॉक्टर के आने का। अपनी सोनू ना अपने को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा भाई, अपनी सोनू ना पिछले 8-10 दिन से पारो वायरस से इन्फेक्टेड हो रही है और इसकी हेल्थ ना भाई बीच में 2-3 दिन तक सही भी हो गई थी, बट इसका पारो वायरस ना वापस ही एक्टिव हो गया है और भाई आज और कल में ना इसकी हेल्थ वापस से डाउन हो गई है। कल तो भाई मैं इसको हॉस्पिटल लेके गया था तो वहाँ पर इसकी ड्रिप वगैरह लगाई थी, बट कल में और आज में भाई कोई फ़ायदा नहीं है। कल भी भाई इसकी हेल्थ ऐसे ही थी और आज और भी वीक हो गई है। तो मैं ना इसको आज भी हॉस्पिटल लेके जाता बट भाई मेरे साथ जाने वाला तो कोई है नहीं, तो मैंने अभी डॉक्टर को कॉल किया था तो उन्होंने बताया भाई वो इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है, आज भी लगवाओ इसकी ड्रिप। तो भाई मैं हॉस्पिटल इसको इतनी दूर अकेला तो लेके जा नहीं सकता, मतलब 10-15 किलोमीटर जाना है। तो डॉक्टर ने बोला भाई आप ना घर पर इंजेक्शन ले आओ और ड्रिप्स ले आओ और किसी वेटनरी वाले बंदे को बुला के इधर ही लगवा देना। तो मैं क्या करता हूँ, मेडिकल चल के कुछ ड्रिप्स और कुछ इंजेक्शन है वो ले आते हैं और फिर सोनू का ट्रीटमेंट करते हैं। जल्दी से चलते हैं। मेट्रो ड्रिप आर एल सो फिलहाल दोस्तों मैं ना अपनी सोनू के लिए दवाई लेके अपने कैनन में आ गया हूँ। और दोस्तों एक बार देखिए कितनी सारी दवाइयाँ लेके आया हूँ भाई मैं, ये पूरी पारो वायरस की है। डेली भाई अपनी सोनू की ना इतनी सारी दवाइयाँ लगती है फिर भी अपनी सोनू सही नहीं हो रही। भाई सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप गॉड से प्रे करो कि भाई अपनी सोनू जल्दी से जल्दी सही हो जाए। भाई कितनी वीक हो गई है बेचारी, मेरे को मेरे से इसकी हेल्थ देख ही नहीं जा रही। और मैंने ना अभी उन मेडिकल वाले भैया को भी कॉल किया है जो अपनी सोनू के इंजेक्शन लगाने आएंगे, तो उन्होंने बताया कि भाई उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि उनका खुद का पर्सनल हॉस्पिटल है जहाँ पे भाई मैं डेली सोनू को हॉस्पिटल लेके जाया करता था। तो वो पहले उस हॉस्पिटल को बंद करेंगे और फिर ना अपने घर पे आएंगे, तो जब तक तो रात हो जाएगी और अभी तो अंधेरा हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपनी सोनू को उस सारे में बिठा दिया जाए क्योंकि भाई अभी सर्दी हो गई है बहुत भयंकर और सोनू तो वैसे भी अपनी बीमार है, तो सोनू को उधर बिठाते हैं और जब वो भैया आएंगे तब इसको बाहर निकाल के ये ड्रिप्स लगवा लेंगे। हाँ सोनू ये देखिए बेचारी कैसी पड़ी है और इसके उल्टी भी हो रही है बेचारी की। ये देखिए दोस्तों भाई इसकी ये हेल्थ देख ही नहीं जा रही मेरे से यार, क्या ही करूँ। कितनी अच्छी फीमेल थी अपने पास रोटी लड़की, इसका पूरा शरीर वीक हो गया है बट क्या ही कर सकते हैं यार। तो भाई सभी भाई प्रे करो यार अपनी सोनू के लिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो इसको एक बार उस सारे में बिठा देते हैं इधर के, अच्छी खासी गर्मी रहती है और सोनू को सर्दी भी नहीं लगती। इधर बिठाता हूँ भाई मैं सोनू को, इधर से अपने डॉग से भी दूर रहती है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और सोनू भी अपनी बेचारी आराम से, इसको सर्दी भी नहीं लगती। इस केज को मैं ऊपर से ढक देता हूँ और भाई अब ना अपने डॉग्स को घुमा लाते हैं उधर खेत में ले जाके और फिर डॉक्टर का वेट करते हैं। डॉक्टर को आते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सोनू की ड्रिप्स लगती है। सो दोस्तों मैं ना अपनी पेप्सी को घुमा के इस केज में बंद कर दिया हूँ और दोस्तों मेरे को ना इस केज को भी पैक करना है भाई कल या आज कल में, क्योंकि भाई अब सर्दियाँ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, कितनी तेज़ सर्दी रहती है। पहले तो आई नहीं बट इस मंथ में तो कितनी तेज़ सर्दी रहने लग गई। वैसे तो मैं ये नेट लगा रखा हूँ, इतनी सर्दी रहती नहीं है। और इस केज में ना बोरी डाल देता हूँ पूरे में, ये बोरियाँ हैं तो ये डालने से इनको सर्दी नहीं लगती, ये बोरियाँ ना गर्म रहती है। और अब इस केज को ना पूरे को पैक कर दूंगा मैं चारों तरफ से, तो इसको तो अभी बंद कर दिया। चार्ली को और बुलाते हैं, चार्ली कम, पता नहीं किधर घूम लिया। अब एक बार इन मुर्गियों को ले आते हैं, इस मुर्गे को और इन दोनों मुर्गियों को और अपने डक को, इन तीन चार को और खरगोशों को, यानी कि सभी परिंदों को बंद कर देते हैं। खरगोश देखिए भाई दोनों मेल फीमेल ना एक साथ रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों आजकल ना एक साथ ही घूमते हैं, पहले तो भाई ये रहते ही नहीं थे। अरे भाई आज ना मैंने इस खेत में ना अपने खरगोशों के लिए रंजका भी बो दिया है। ये देखिए भाई कितना सारा रंजका बो दिया है, अब ये कब तक उगेगा। फिर ना अपने खरगोश भाई बड़े मजे से रंजके को खाएंगे और अपने पास घास की भी कमी नहीं होगी। तो एक बार इन खरगोशों को पकड़ लेते हैं। सो दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद मैंने इस मेल खरगोश को तो पकड़ लिया है, बट वो फीमेल खरगोश ना भाई इधर से बाहर चली गई है और ये ना आसानी से हाथ में नहीं आने वाली। तो एक बार इस मेल खरगोश को तो बंद करते हैं और फिर मुर्गियों को बंद करते हैं। पेप्सी तो एक्टिव हो रही है इनको देख के, ये पेप्सी ना भाई इनके ऊपर अटैक करने की सोचती है। तो भाई इसको तो बंद कर दिए और एक बार उसको पहले इनको बंद कर देते हैं मुर्गियों को, फिर एक बार उसको भी पकड़ लाएंगे। तो भाई परिंदों से तो फिर हो गए हैं, सबको बंद कर दिया है केजों में अलग अलग, और बस एक वाइट वाली खरगोश नहीं है, वो नहीं है कि भाई उसको ना एक दो बंदे मिलके फिर पकड़ना पड़ेगा। तो अभी मम्मी को या फिर किसी को बुला के फिर पकड़ेंगे उसको, अकेले के हाथ नहीं आने वाली।
तो इनसे तो फ्री हो गए हैं और अब वेट करते हैं डॉक्टर के आने का और इन डॉग्स को खाना वाना दे देते हैं, फिर जैसे ही डॉक्टर आएंगे तो सोनू के ड्रिप लगवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे क्या लगाएंगे। सोनू तो दोस्तों रात को जो चीज़ हुई उसका मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था भाई, अपनी सोनू ना अपने को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मैंने बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया था कि भाई ऐसा भी होगा, मतलब सोनू की हेल्थ कुछ हद तक सही थी और मैंने इतना अनुमान तो नहीं लगाया था कि भाई सोनू की डेथ भी हो जाएगी अचानक से। मैं भाई उस टाइम ना डॉक्टर को लेने जा रहा था, मतलब अपने घर पे लाना था डॉक्टर को, तो मैं सोचा क्यों ना भाई एक बार सोनू को देख ले। और जैसे मैं सोनू को देखा तो मतलब सोनू के लंबे लंबे सांस चल रहे थे और भाई पूरा केज ना ख़राब हुआ पड़ा था, उल्टी वगैरह कर रखी थी सोनू ने। और मैं जाके सोनू को देखा तो उस टाइम में भाई मेरे को कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या कैसे हुआ। मैं सोनू को उठा के भाई गोद में डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाने के लिए जा रहा था और उसी टाइम ना अपने घर के सामने सोनू ने अपना दम तोड़ दिया और उसी जगह उसकी डेथ हो गई। तो ये देख के भाई बहुत बहुत बुरा लगा और रात ना हमने सोनू को इधर ही दफना दिया था। भगवान सोनू की आत्मा को शांति दे और भाई आप भी दुआ करना कि भगवान सोनू की आत्मा को शांति दे। मैंने ना सोनू को इधर दफनाया था तो यह जगह वो भाई जहाँ पे मैंने सोनू को दफनाया था। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हसी है तू जो ना।